नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। जुड़े जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में जीविका दीदियां चलाएंगी अस्पतालों की कैंटीन। बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन की जिम्मेदारी अब जीविका दीदियां उठाने वाली हैं। दीदी की रसोई के नाम पर इस कैंटीन का संचालन किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रति मरीज को रोज के भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें कही हैं और कहा है कि मरीजों को अस्पताल में शुद्ध एवं पोषक भोजन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, पूर्णिया के दौरे में वहां के अस्पताल में जीविका दीदियों के माध्यम से बेहतर भोजन उपलब्ध कराए जा रहे कार्य को देखा गया था। इसके बाद ही उन्होंने सभी अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। राज्य में 38 जिले तथा 56 अनुमंडल अस्पताल है। बिहार में 66,000 शिक्षकों का वेतन हुआ जारी। बिहार में 66,000 शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 814,39,51,100 रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। इसके साथ ही इस राशि की विमुक्ति का भी आदेश दे दिया गया है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाना है। जिन 66,104 शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी गई है, उनमें राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में काम करने वाले नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक के नाम शामिल है। राज्य के कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत पदों पर हुई है। इनका वेतन भुगतान भी राज्य सरकार की निधि से होता है, जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सर्व शिक्षा अभियान मद से होता है। बिहार में जॉब की आई बहार। बिहार में इस साल रोजगार की बहार आने वाली है। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से नौकरी मुहैया करवाने की बात कही थी, जिसका अमल भी अब किया जा रहा है। क्रम में भूमि सुधार विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,883 स्थायी पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 3,738 पद डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के होंगे। 139 पद डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के पद होंगे। इनकी तैनाती जिला, अनुमंडल और अंचलों में की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना में अभी बंद नहीं होंगे डीजल से चलने वाले ऑटो। ऑटो चालकों के लिए खुशखबरी, डीजल से चलने वाले ऑटो के पहिए पर फिलहाल ब्रेक नहीं लगने वाला है। सरकार ने डीजल से चलने वाले ऑटो चालकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को जनहित में वित्तीय वर्ष 2021 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है। इसके तहत अब पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चलित ऑटो के परिचालन अवधि में 30 सितंबर 2021 तक का विस्तार किया गया है, जिसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस बाबत परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद के एडवाइजरी के अनुसार डीजल चलित तिपहिया वाहन तथा पुराने पेट्रोल चलित तिपहिया वाहनों के परिचालन से पटना शहर की परिवेशीय गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा था। इसको लेकर ही 31 जनवरी 2021 से पटना नगर निगम और 31 मार्च 2021 से अन्य स्थानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने किया ऐलान। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने अपने पहले से घोषित मांगों के पूरा नहीं होने के कारण ट्रकों के हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसके बाद 15 जनवरी की मध्यरात्रि से पूरे बिहार में ट्रकों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। वहीं एसोसिएशन अध्यक्ष भानु शेखर ने बताया है कि वर्तमान सरकार मेरे किसी बिंदु पर अब तक कोई निर्णय या विचार नहीं कर पाई है, अतः हमारा आंदोलन घेरा डालो डेरा डालो 15 जनवरी के मध्यरात्रि से जारी रहेगा। आंदोलन में आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह के ट्रकों को बंद कर अपना विरोध प्रकट किया जाएगा। साथ ही हमारे सभी ट्रक मालिक अपनी अपनी ट्रकों के साथ उक्त आंदोलन में ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ा कर सरकार के अधिसूचना के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करेंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे श्यामानंद जालान की। श्यामानंद जालान कोलकाता के एक प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशक और अभिनेता थे। उन्हें आधुनिक भारतीय रंगमंच के पुनर्जागरण काल और विशेष रूप से 1960 से 1980 के दशक में कोलकाता में हिंदी रंगमंच के लिए श्रेय दिया जाता है। वो आधुनिकतावादी मोहन राकेश के लिए सबसे पहले थे, जिन्होंने 1960 में अपनी भव्यता के साथ आषाढ़ का एक दिन शुरू किया था और आने वाले वर्षों में बंगाली द्वारा काम की हिंदी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए हिंदी थिएटर और बंगाली थिएटर के बीच की खाई को भी पाटा था। उसके नाटकों में एक अभिनेता के रूप में विख्यात उन्हें डॉन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अच्छी तरह से याद किया जाता है। रोलैंड जोफ की 1992 की फिल्म सिटी ऑफ जॉय में भी वो नजर आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश के सपने को फेल करने वाले मुखिया हुए बेनकाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निश्चय से खेलने वाले मुखियाओं पर कार्रवाई हुई है। हर घर नल का जल योजना से अब तक गड़बड़ करने वाले बिहार के कुल मिलाकर 300
373 मुखिया के ऊपर कार्रवाई करने की पहल शुरू की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मी भी इस योजना में खूब माल बटोर चुके हैं, उन पर भी एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना में कई भ्रष्टाचारियों के नाम सामने लाए हैं। इस मामले में जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक इसमें शामिल है। नीतीश सरकार के भद्द पिटने के बाद सरकार थोड़ी एक्शन में है और अब तक 373 मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, 45 ठेकेदार, 62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव पर भी प्राथमिकी का आदेश हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का होगा आयोजन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन 18 जनवरी से शुरू होने वाला है। यह 17 फरवरी तक जारी रहेगा। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार इस बार सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन करवाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा महीने से संबंधित तैयारियों के लिए मंगलवार को परिवहन विभाग विश्वेश्वरैया भवन सभागार में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की विभिन्न स्टेक होल्डर, CID, नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, IIT, BIT, NIT, NCC, बीमा कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन करवाया गया था। रुपेश कुमार सिंह के मामले में SIT और STF का हुआ गठन। राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की बीते दिनों ली गई जान के बाद बिहार में सुशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पटना पुलिस के लिए हाई प्रोफाइल केस सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। SSP उपेंद्र शर्मा खुद SIT का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें से DSP, सेंट्रल सचिवालय, DSP के अलावा शास्त्री नगर, कोतवाली, एयरपोर्ट सचिवालय, थानेदार के साथ सेल अन्य टीम को लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए STF को भी जांच में जोड़ दिया गया है। राजधानी पटना में पारा गिरा 7 डिग्री नीचे। दो हफ्ते तक ठंड से मिली राहत के बाद अब एक बार फिर से बिहार में लोगों को कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में ठंड ने जबरदस्त वापसी की है और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 7 डिग्री नीचे गिरा है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने आम लोगों पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को बीते दिन कम ठंड का आभास हुआ था, उन्हें रात में कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पटना में 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती रही। शाम होते होते लोगों ने गजब की ठिठुरन महसूस की और बाजार अचानक से शांत हो गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। कांग्रेस ने हार की बताई वजह। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था, जिसको लेकर अब बिहार सरकार प्रभारी भक्त चरण दास भी जमीनी स्तर पर हार की समीक्षा करने में पटना दौरे पर है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों ने भी मंगलवार को कांग्रेस प्रभारी से विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों के साथ बैठक की और हार के कारणों को साझा किया, जिसके तहत ललन कुमार यादव ने कहा कि हार के कारणों की मुख्य वजह यह रही है कि हमारी पार्टी ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन को प्रखंड और जिला अध्यक्षों में स्थान दे चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि ना तो हमारी प्रखंड कमेटी और ना ही जिला कमेटी और ना ही बूथ कमेटी कहीं पर काम कर रही है। बिहार में आपराधिक मामलों के रोकथाम के लिए पप्पू यादव ने दिया नया फॉर्मूला। बिहार में अप्रिय वाक्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिन हुए पटना के पुनाईचक में इंडिगो के स्टेशन हेड के खुलेआम जान लेने की वारदात सामने आई है, जिसके बाद बिहार में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अब जा प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार को आपराधिक मामलों के रोकथाम के लिए सुझाव दिया है, जिसके तहत पप्पू यादव ने कहा है कि कई थानों में पुलिसकर्मी सालों से जमे हुए हैं, उन सभी को दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए अगले 3 महीने तक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, बचना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्री हैंड शूट एंड साइट का ऑर्डर देने की बात कही है। सोनू सूद को BMC ने बताया आदतन अपराधी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों नए विवाद में फंस गए हैं। BMC की तरफ से हाल ही में उनके एक अपार्टमेंट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं अब BMC ने सोनू सूद को आदतन अपराधी घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार BMC ने उच्च न्यायालय में दाखिल एफिडेविट में कहा है कि सोनू सूद ने जुहू स्थित रिहायशी इमारत में लगातार अनधिकृत निर्माण करवाया है, जबकि 2 बार वहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। BMC ने मंगलवार को हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा कि सोनू सूद ने रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने का प्रयास किया है और अब इस गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। रिकी पोंटिंग ने किया अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की तारीफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के 3rd मैच में टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी क्रम में अब रहाणे की कप्तानी की रिकी पोंटिंग भी कायल हो गए हैं। इसको लेकर उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत पोंटिंग ने भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे की तारीफ करते हुए कहा कि पंत को ऊपर भेजना एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर भारत वो मैच जीतना चाहता था तो उसे यह करना ही था। हालांकि पंत को टिम्पेन का भी बहुत साथ मिला।
देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 17,817 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,04,95,147 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 202 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,51,529 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,01,29,111 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 2,14,507 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या था? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।